वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे बेसिक के क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो में बेसिक किए थे, उसके बाद क्वेश्चन देखे थे। आज पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, जो बेसिक टाइप का पूछा जाता है, ABCD के रूप में पूछा जाता है, उसको करेंगे। ठीक है, बाकी फिर कल से आपका नेक्स्ट टाइप ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5, 7, 8 का वर्ग अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्ग अनुपात मतलब देखो वर्ग करना। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर करना। ठीक है, तो वर्ग अनुपात मतलब क्या है, स्क्वायर करना है आपको, सिंपली बात। ठीक है, स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, तो क्या हो जाएगा, 64। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, वर्ग अनुपात हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, 81, 256 और 121 का वर्गमूल अनुपात। ठीक है, वर्गमूल मतलब आपका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में लेना है, वर्गमूल अनुपात लेना है। ठीक है, तो इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 81 का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 81 का देखो अंडर रूट, फिर 256 का, मतलब सबका जितना भी बोल, मतलब वर्गमूल अनुपात बोल दिया, मतलब सबका ही करना है। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल और 121 का वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा, ये 81 का वर्गमूल कितना बाहर आएगा, 9, 9 होता है इसका। ठीक है, तो 9 बाहर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 छुपर आता है। ठीक है, वर्गमूल मतलब क्या है, 2 छुपर आता है यहाँ पे 2 छुपर आता है। वर्गमूल में क्या है आपका, 3 छुपर आता है, मतलब 3 मतलब दिखा ही रहता है। ठीक है, छुपा नहीं रहता, वो तो सामने दिखा रहता है। तो देखो अंदर में अगर सेम सेम अगर 2 ठो रहेगा, जैसे एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स इंटू एक्स है, तो 2 ठो है उसमें, क्या है, 1 ठो बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। और वैसे अगर अंडर रूट मतलब क्या बोलते हैं, क्यूब रूट है आपका, मतलब घनमूल है, उसमें अगर 3 है तो उसमें 1 बाहर निकल के आता है। ठीक है, अगर 3 है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाता है, 1 बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 नहीं कैसे 2 भाग में तोड़ेंगे, तो कितना, 1 बाहर निकल के आएगा, मतलब 9 बाहर निकल के आए। उसके बाद देखो 256, 256 किसका अंडर रूट होता है, देखो 256 अगर नहीं पता है तो देखो 225 तो पता होगा। ठीक है, 225 किसका होता है आपका, 15 का होता है। ठीक है, क्योंकि देखो 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, तो देखो 256 दो है, 225 से थोड़ा आगे है। ठीक है, थोड़ा आगे है का मतलब देखो लास्ट में क्या है, 5, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करने में 5, तो देखो 15 का, उसको भी 16 का करोगे कितना होगा, देखो 16 का करोगे तो कितना होगा, 6 6 36 का 6। ठीक है, अब देखो 6 का स्क्वायर में तो 6, 6 आगे लास्ट में, तो यही हो सकता है क्योंकि ज्यादा दूर का संख्या नहीं है। ठीक है, और 7 का करोगे तो फिर 49 आएगा। ठीक है, मतलब 289 आएगा, इसमें 256 आएगा, तो यही हो सकता है। 16 का स्क्वायर करके भी देख लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 256। ठीक है, तो 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। उसके बाद देखो 121 तो फेमस है, 11 का होता है, तो 11 आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 11 का होता है, देखो 11 11 में 121 होता है और 16 16 256 होता है। ठीक है, तो 9 16 और 11 ये आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 5 4 का घन अनुपात पूछा है। घन अनुपात मतलब घन कर, जैसे वर्ग करते हैं वैसे घन कर देना, घन मतलब आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यूब कर देना है, घन मतलब क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का घन कर देते हैं, 5 का घन कर देते हैं और 4 का घन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 होती है, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 25 125 125, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 3 16 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौंसठ 729 और 125 का क्या निकालना है आपको, घन मूल अनुपात। ठीक है, घन मूल अनुपात मतलब क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है इसका, क्यूब रूट उसको ऐसे लिखते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें बाहर क्या आता है, जब 3 संख्याएं साथ में होती है, ठीक है, मतलब सेम सेम होती है, वो क्या है, 1 बाहर निकल के आता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 64 का क्या लेंगे, क्यूब रूट आपका 729, इसका भी क्यूब रूट और 125 का भी क्या है, क्यूब रूट। ठीक है, तो देखो
64 में क्या निकल के आएगा बाहर, 64 देखो, 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार करोगे, गुणा 64 मिलेगा आपको, 4 चौक 16 चौक 64, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, 3 बार 4 है तो 1 4 निकल के आएगा बाहर, 4 हो जाएगा यहाँ। आप देखो 125, 125 5 गुणा 5 गुणा 5 करो, 125 मिल जाएगा आपको, ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो 125 में 5 बाहर निकल के आ गया। और देखो 729 समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो क्या करो, 729 के आसपास जो सामान्य संख्या उसको ले लो, ठीक है, जैसे कि 1000, ठीक है, तो 1000 का आप क्यूब रूट निकालोगे तुरंत निकल जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है आपका 1000, ठीक है, 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 729 के 10 के थोड़ा पहले है, देखो 9 का करके देखो, 9 का कितना होगा, 9 नहीं 81, 81 नहीं आपका हो जाएगा 729, ठीक है, तो 729 कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, तो 9 का 3 बार ये गुणा है ये, ठीक है, 9 का 3 बार का गुणा है, तो क्या हो जाएगा, 9 बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4:9:5 ही आंसर होगा, 4:9:5, ठीक। आप देखो 2:3, 4:5 और 3:5 का जटिल अनुपात, ठीक है, जटिल अनुपात का मतलब ये देखो, जटिल मतलब होता है कठिन, उसका नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड रेशियो, ठीक है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है, वैसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता, पूछ देगा तो ठीक है, आप बना सकते हो, ठीक है, जटिल अनुपात ऐसे बहुत, तो रेलवे के क्या है, कभी कभार रेलवे उठपुटांग टाइप कभी कभार क्वेश्चन डाल देता है, तो ये पूछा जाता है, जैसे कि आपका 12 वाले सिस्टम में आपको ऐसे पूछा जाता था, 5 बार और 2 6 का बार, ठीक है, तो ये क्या है बार, अब भाई दशमलव के बाद ही लगता है बार, लेकिन पहले लगाना उतना उचित नहीं है, ठीक है, तो लेकिन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या है, कंपटीशन तैयारी करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, अब उसको पढ़ना पड़ता है, तो 5 का बार मतलब क्या है एक्चुअल में, -5 को, ठीक, ऐसे ऐसे रहना चाहिए इसको, ठीक है, माइनस, तो माइनस को क्या कर दिया, ये इसके सिर में चढ़ा दिया, ठीक है, इसके सिर में चढ़ा दिया माइनस, ठीक है, 5 के ऊपर डाल दिया, मतलब ये है कि आपका, ठीक है, तो इसको ये कई लोग जान भी नहीं रहते ऐसा होता है करके, तो बाद में पता चल, तो क्या होता है ये, तो वैसी टाइप का जटिल अनुपात हर किसी को नहीं पता ये, और बुक में ज्यादा दिया भी नहीं रहता, तो क्या है कि एग्जाम में आता है तब पता चलता है, ठीक है, देखो जटिल अनुपात क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, जटिल अनुपात मतलब आपका मिक्सिंग, देखो क्या हो जाता है, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब होता है मिक्सिंग भी होता है, और क्या बोलते हैं जटिल अनुपात, देखो जटिल कब होगा कोई चीज, जटिल कब होगा, जब देखो आपके पास साइन क्या क्या रहता है, बेसिक साइन क्या है, 4 रहते हैं, ठीक है, आपके पास माइनस प्लस, माइनस के बेसिक साइन क्या है, माइनस प्लस और आपका भाग और गुणा, ठीक है, तो आपके पास 4 साइन होते हैं बेसिक साइन, और वो क्या है आपका, देखो क्या क्या काम करता है, माइनस क्या है, घटाने का काम करता है, और भाग भाग भी क्या है, घटाने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, और जो प्लस है और जो गुणा है वो क्या है, बढ़ाने का काम करता है, वो इंक्रीज करने का काम करता है, ये क्या है आपका, इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो डिक्रीज करने का, इंक्रीज करने का, तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस है, जैसे देखो प्लस में कितना बढ़ेगा आपको, 5 + 5 लिखोगे, 5 + 5 लिखो कितना बढ़ेगा, 10 ही आएगा, लेकिन आपका गुणा में, ठीक है, अगर गुणा में अगर यही हो जाए 5 × 5 तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, मतलब गुणा में संख्या ज्यादा बढ़ती है, तो कठिन कब होगा, कोई संख्या गुणा में बढ़ेगी तभी कठिन होगा, मतलब आपको क्या करना है, इसे गुणा करना है अनुपात, ठीक है, ठीक है, गुणा करना है, गुणा कैसे करेंगे ये भी देखते हैं, ठीक है, देखो 2:3 है तो इसको लिख लेंगे पहले, 2:3 है, ठीक है, वैसे क्या है, 4:5, तो इसके नीचे लिखेंगे ऐसे, लेफ्ट राइट में गुणा करना है आपको, मतलब 4:5 पे क्या है, 3:5, ठीक है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट राइट का राइट में गुणा करना है, ठीक है, ये क्या है आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, लेफ्ट राइट का गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 × 12 × 2 = 24, तो कितना हो जाएगा आपको, 4 = 24, तो ये 5 × 25 = 75, ठीक है, ये हो जाएगा 75, ठीक है, तो देखो कुछ कुछ कटेगा तो कटा सकते हैं, अगर दोनों में नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा, कट रहा है क्या, देखो यहाँ पे 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24 और 3 से 25 = 75, तो कितना हो जाएगा, 8:8:25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं छठवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 3 5 का विलोम अनुपात क्या होगा, देखो विलोम अनुपात का मतलब क्या होता है, विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, विपरीत, ठीक है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, या
जो भी है ठीक है उल्टा, ठीक है। तो देखो उल्टा का अनुपात लेना, उल्टा का मतलब देखो दो जैसे वर्ग कर रहे थे तो वर्ग अनुपात, तो दो का वर्ग कर देते थे, यहाँ पे क्या विलोम करना है मतलब उल्टा करना है। तो उल्टा कैसे होगा, जैसे दो दो लिखे हैं ठीक है, तो दो का उल्टा क्या होगा, देखो दो का उल्टा क्या होगा, दो का उल्टा होगा 1/2 ठीक है। तो ये क्या हो जाता है उल्टा, उल्टा मतलब जैसे 2/1 जो है आपका, 2/1 नॉर्मली कोई भी जैसे 2 है तो 2/1 ही है ना वो, ठीक है 2 है या 2/1 है ठीक है, किसी भी संख्या में 1 का गुणा या 1 का भाग रहता ही है पहले से ठीक है। तो देखो 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 ठीक, तो ये हो जाएगा उल्टा। तो ऐसे उल्टा का अनुपात लेना है यहाँ पे, उल्टा का अनुपात लेना। देखो यहाँ पे क्या दिया है आपका, तीन तीन वाले का दिया ठीक है, तो आपको क्या करना है दो वाले का निकाल लो, उसके बाद पहले दो वाले का दिखा देता हूँ फिर तीन वाला सीख जाएंगे ठीक है। देखो दो वाले का निकालेंगे, जैसे 2:3 का करना है विलोम अनुपात, तो क्या हो जाएगा इसके विलोम अनुपात अपोजिट कर देना, ये हो जाएगा आपको 1/2 और ये 1/3 ठीक। तो इसका अनुपात कैसे लेंगे, तो देखो यहाँ पे दो तीन तरीका है वो भी देख लो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अच्छा नहीं लगता 1/2 और 1/3 क्या है इस रूप में क्या है अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नॉर्मल रूप में लाएंगे ठीक है। तो इस रूप में अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे लाएंगे उसको, तो क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे ठीक। एलसीएम निकाल लो तो या मतलब इन दोनों पक्षों में ठीक है, मतलब ये कटना चाहिए 2 और 3 कटना चाहिए, ऐसी संख्या का गुणा करेंगे ठीक है। तो 2 3 किससे कटेगा, एलसीएम से ही कटेगा, मतलब एलसीएम एलसीएम को ही पूरा डिवाइड मारेगा या 6 को मारेगा ठीक है, मैं दोनों का गुणा कर दो वो भी चलेगा ठीक है। तो 2 3 कितना जाएगा आपका, देखो आप एक काम करो 6 का गुणा कर लो ठीक है, 6 का गुणा करो या एलसीएम का गुणा करो एक ही मतलब है। तो देखो दोनों का गुणा करो, एलसीएम को गुणा करोगे परफेक्ट नंबर आएगा एक बार में ठीक है। तो देखो 6 ऐसे भी एलसीएम होता है, 2 को 3 का गुणा करोगे तो भी 6 ही आ रहा है ठीक है। तो क्या 6 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 6/2 और 6/3, तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 3 6 और 3 2 6 ठीक। तो ये क्या आ गया 3:2 ठीक है, तो आ गया ये 3:2 ठीक है। तो आप बोल रहे होगे इसको सिखाने क्या मतलब, देखो 2:3 है उसका उल्टा करेंगे तो 3:2 ही आ जाएगा ठीक है, इसका उल्टा करेंगे अपोजिट करेंगे ठीक है। इसको उल्टा क्या है, देखो उल्टा में रेशियो जस्ट अपोजिट आ गया लेकिन 2 वाले का, लेकिन अगर 3 वाले को ऐसी कर दोगे ना तो ठीक है गलत हो जाएगा, वैसा नहीं होगा ठीक है 3 वाले, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ सब ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक तरीका ये हुआ एलसीएम वाला, दूसरा तरीका देखो दूसरा तरीका देखो, जैसे कि 2:3 ही है ठीक है, 2:3 का विलोम अनुपात लेना है तो 1/2 1/3 ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, मतलब नीचे वाले से ऊपर गुणा कर लो, मतलब ये 3 का गुणा ऊपर हो जाए और ये 2 का गुणा इधर तिरछे में हो जाएगा ठीक, इस पार हो जाएगा पहले, और 3 नीचे जो है आपका गैप हो जाएगा ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा ठीक, डायरेक्ट निकल के आ गया, और नीचे क्या है गैप हो गया, मतलब नीचे वाले को ऊपर चढ़ा दो इधर तिरछे में और 3 वाले को इधर, मतलब इस वाले नीचे वाले को इधर चढ़ा दो ऊपर में ठीक है। तो ऊपर में चढ़ गए 3 और ये 2 ऊपर में चढ़ गए ठीक, अब 2 नीचे खाली हो गया 3:2 ठीक। ये एक तरीका हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही में कर पाएंगे, आप 3 में इस टाइप का नहीं कर पाएंगे ठीक। तो 3 के लिए क्या होगा आपका, एलसीएम वाला तरीका भी है, उससे भी एक और तरीका है ठीक है, इससे इसका भी एक और तरीका है उसको भी बता रहा हूँ, उसके भी 3 वाले में आएंगे ठीक, इसका भी और तरीका कैसे है। अब देखो 2:3 का विलोम अनुपात लेना है, तो कैसे लोगे आप, क्या कर लो इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम को यहाँ पे रख लो बीच में, तो एलसीएम लोगे 3 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 को बीच में रखो। तो देखो जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे लाइन मेथड वाला, 2 2 2 से कितने बार में जाएगा ये 6, 3 बार में जाएगा 3 बार में, और 3 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा ये 3:2 का रेशियो हो जाएगा ठीक है, 3:2 का रेशियो आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक। ये ज्यादा बेस्ट है, अगर 3 वाले में पूछेगा तो ये वाला मेथड से करना तो बहुत जल्दी निकलेगा ठीक है। और वो जो मेथड एलसीएम लगा के गुणा भाग कर रहे हो या वो सब कर रहे हो कठिन है, ये सबसे शॉर्टकट है, सबसे शॉर्टकट है ये ठीक है। सबसे शॉर्टकट किसके लिए, 3 वाले के लिए ठीक है, 3 वाले के लिए, 3 मतलब 2 से अधिक वाले के लिए, 2 से अधिक वाले के लिए, 2 से अधिक अगर रेशियो आपको दिया है तो सबसे शॉर्टकट मेथड ये है ठीक है। तो इससे करना आप देखो कैसे बनेगा, ये देखो 2 3 5 है तो उसका विलोम अनुपात क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 से 15 30 हो जाएगा ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30,
दो तीन पांच कैल्शियम आ जाएगा 30। अब क्या करेंगे, 30 को बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे मतलब ये बीच में रख दो, ठीक है, 30 को बीच में रख दो, और 2 से क्या करो आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कितने बार में जाएगा, 2 15 30, और 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 दाम 30, और 5 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये आ गया, कितना आ गया, 15 10 और 6, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक लाइन में आप करते, सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 4 15 और 20 का विलोम अनुपात, ठीक है, इसका विलोम अनुपात कैसे निकालेंगे, जस्ट इसी तरह से बहुत आसानी से। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 3 4 15 20 का एलसीएम पहले निकालते, ठीक है, तो 3 4 15 20 का एलसीएम निकालते हैं, 3 4 15 और 20, आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या देखेंगे, 20, ठीक है, 20 को ले लेते हैं, 20 को ले लो, गुणा कर लो। अब देखो 15, 15 क्या है, 5 से 15 होता है, ठीक है, 15 मतलब देखो 20 क्या है आपका, 5 चौक 20, ये आपका 5 से 15 होता है, ठीक है, तो देखो 20 में जो हम शामिल नहीं है उसको लेंगे इसमें, ठीक है, मतलब 15 में क्या है, 5, 5 हमारे पास जो 20 है उसमें शामिल है क्या, है, तो 3 नहीं लेंगे उसको। अब देखो 3 यहाँ पे, 3 शामिल है क्या, नहीं है, तो उसको हम ले लेंगे, ठीक है, तो ले लेंगे यहाँ। उसके बाद देखो ये 4, ठीक, ये 4 20 में शामिल है क्या, बिल्कुल शामिल है, 4 गुणा 5 कितना होता है, 20 होता है, बिल्कुल शामिल। अब ये देखो 3 यहाँ पे, 3 शामिल है क्या, 3 तो है ही है, तो कितना हो जाएगा, 60 इस कैल्शियम आ जाएगा, तो 60 इस कैल्शियम आ गया, 60 इस कैल्शियम आ गया, बीच में रख देंगे 60, 60 को बीच में रख दो। अब देखो अब क्या है, टाइम एंड वर्क में जैसे भाग देते थे वैसे लाइन खींच के भाग देना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 20, 3 20 कितना हो जाएगा, 60, 4 से कितने बार हो जाएगा, 4 15 60, 15 बार में जाएगा, ये 15 से कितने बार में जाएगा, 15 चौक 60 जाएगा, ठीक है, 4 बार में जाएगा, और 20 से कितने बार में जाएगा, 20 किया 60 जाएगा, ठीक है, 3 बार में जाएगा, तो एल सी ए इसका अनुपात क्या आ जाएगा, देखो 20 15 4 और 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 15 4 3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां, ए अनुपात ए ए बाई टू इक्वल टू बी बाई थ्री इक्वल टू सी बाई फाइव बराबर, इतना अगर तीनों अपन बराबर हो में हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये बराबर में है, मतलब तीनों अलग अलग बराबर में है, ठीक, तो देखो 2 भी तो बराबर में है यहाँ पे, देखो ये भी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल में है और ये भी दोनों इक्वल में है, ठीक, ये भी दोनों में क्या है, इक्वल में है, ठीक है, तो क्या है, मतलब अलग अलग भी लिए हम करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू को देखो इधर अलग लिख लो, ए बाई टू और बी बाई थ्री, अलग लिख लीजिए, और उसको भी अलग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी अलग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, बी बाई थ्री और सी बाई फाइव, ठीक है, अलग लिख लिए, तो देखो अब देखो ए बाई बी चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, बी को इधर नीचे लाना है और टू को उधर ले जाओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बाई बी और 2 बाई 3, तो क्या हो जाएगा, रेशियो में लेना है तो रेशियो में भी ले सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, भाग का मतलब रेशियो ही होता है, ठीक है, तो ये हो गया 2 अनुपात 3 का अनुपात, उसमें अब देखते हैं क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देखो 3 को उधर ले जाओ, मतलब बी अनुपात बी बाई सी, तो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 5, और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 आ गया, ठीक है। अब देखो अब 1 7 अनुपात लेना है हमको, 1 7 अनुपात लेना है, तो क्या हो जाएगा, 1 7 इसको कंबाइन कैसे करते हैं, जब बी सेम रहता है, ठीक है, बी सेम नहीं सेम रहता है तो, अगर नहीं रहता तो बनाना पड़ता है बी को सेम, तो यहाँ पे देखो बी सेम है क्या, यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे देखो 3 है और 3 है, ठीक है, मतलब सेम पहले से ही है, ठीक है, पहले से क्या है, सेम है, पहले से ही सेम है तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा रेशियो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 5 डायरेक्ट। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन भी आंसर टाइप का ही दिख रहा है, ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के नीचे में दिया, ठीक है, जो नीचे में दिया है मतलब हर में, अगर हर में जो है आपका
अगर इक्वल है ठीक है, तीन चीज तीन रेशियो जैसे इक्वल में है, चार रेशियो इक्वल में है, और नीचे हर में जो है आपका जो संख्या है वही क्या है आपका आंसर बन जाता है ठीक है। जो हर में संख्या है, जो हर में जो संख्या है वही क्या है आपका डायरेक्ट आंसर बन रहा है। देखो 2 3 5 है, वहां भी 2 3 5 डायरेक्ट आपका आंसर बन गया ठीक है। तो आपको मतलब ये सब कैलकुलेट करके निकालने की भी जरूरत नहीं है ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये अलग है ना। अब देखो यहाँ पे गुणा में है, देखो ए के साथ भी गुणा में है, बी के साथ गुणा में है, 3 और 5 गुणा में ठीक है। तो ए 2 ए बराबर 3 बी बराबर 5 सी, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कैसे निकालेंगे ठीक है, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो ये भी उसी तरीके से निकाल के देखते हैं, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, तो देखो 2 ए बराबर 3 बी, इसको अलग लिखे और इसको भी अलग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बी 3 बी बराबर 5 सी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी करेंगे, इधर बी को इधर नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बटा बी, तो 3 बटा 2 ठीक है। मतलब ए क्या हो गया, ए अनुपात बी 3 अनुपात 2 ठीक है। और इधर में क्या हो जाएगा, वैसी वैसी हो जाएगा बी बाई सी 5/3 ठीक है। तो बी अनुपात सी और 5 अनुपात 3 ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बी सेम है क्या, बी सेम नहीं दिख रहा है, सेम बनाना पड़ेगा तभी तो रेशियो ले सकते हो ठीक है। ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना है। अब बी यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पे क्या है आपका बी 5 है ठीक है, 2 है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है 5, सेम नहीं हो, सेम बनाएंगे किस पे, तो 2 और 5 किस पे सेम होता है, 10 पे सेम होता है ठीक है। 2 और 5 किस पे सेम होता है, 10 पे सेम होता है, मतलब 10 क्या होता है एलसीएम होता है ठीक है। 10 क्या होता है आपका एलसीएम होता है ठीक है। तो एलसीएम पे बराबर होता है कोई भी चीज ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें क्या हो जाएगा, 2 को 10 बनाना है तो क्या 5 से गुणा करेंगे, इधर क्या करेंगे 5 से गुणा, और इधर क्या करेंगे मतलब इसको 5 को क्या बनाना है 10 बनाना है, तो 2 का गुणा करेंगे ठीक है, 2 का गुणा करेंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 5 से 15, मतलब देखो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो बी क्या हो जाएगा आपका 10 है अनुपात ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 10, ये 10 आ जाएगा। और सी कितना हो जाएगा, देखो सी 10, देखो 2 का गुणा हुआ है मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 3 है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है लेकिन 5 का गुणा हुआ है 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया देखो, 15 10 और 6 आ गया ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे नीचे में था तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, यहाँ पे क्या है आपका गुणा में है ठीक है, यहाँ भाग में था तो आपका डायरेक्ट आंसर, लेकिन गुणा में है तो देखो आंसर बदल गया ठीक है। तो गुणा में रहेगा तो आंसर इस टाइप का आएगा ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है, इस टाइप पर निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैं आपको विलोम अनुपात बताया था, जस्ट उसी टाइप का ही, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे विलोमानुपात बताया था, तो क्या बताया था देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, दो तीन तरीके और भी तरीका बता दूंगा। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई 1/2 लिख सकता हूँ, 2 के नीचे ला लिया मैं ठीक है, 2 को मैं नीचे लाऊंगा तो कैसे लिखूंगा 1/2, क्योंकि इसको गुणा के फॉर्म में लिखोगे तो 2 ऊपर खुद क्या जाएगा ठीक है। तो देखो इसको भी ऐसे 1/3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बी अपॉन 1/3 ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि भाई कोई भी जैसे गुणा होता है ठीक है, जैसे 2 है, जैसे कोई भी संख्या है आपका 10 है और बटा 1/5 है ठीक। देखो एक गुणा के फॉर्म में आएगा तो ऊपर चला जाता है, मतलब 5 गुणा 10 हो जाएगा बटा 1, तो वही चीज़ है, 5 को मैं नीचे नीचे ले जाना चाहूंगा तो क्या है बटे के फॉर्म में ले जाऊंगा 1/5, तो वैसे ही ले जा रहा हूँ नीचे में ठीक है, वैसे ही ले जा रहा हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सी बाई 1/5 ठीक। अब इन तीनों का रेशियो लेना है, ए बी सी का मेरे को रेशियो चाहिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशियो चाहिए था, डायरेक्ट तीनों का रेशियो बन गया ठीक है, डायरेक्ट तीनों का। तो देखो ए बी सी का मेरे को रेशियो चाहिए, तो यहाँ भी डायरेक्ट तीनों का रेशियो बनेगा, मतलब क्या बनेगा आपका, मतलब क्या बनेगा 1/2 1/2 और 1/3 और 1/5 का रेशियो बनेगा। तो देखो ये जो देखो गुणा में था वो विलोमानुपात में आ गया ठीक है, यहाँ से देखो आप ठीक है, तो क्या है विलोमानुपात में आ गया ठीक है। मतलब ये आंसर क्या है, इस फॉर्म में बनेगा ना, नीचे नीचे वाला हर का फॉर्म देखो, हर में जो था आपका वही डायरेक्ट आंसर हो, तो यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है, हर वाला सीधा अनुपात में आ गया, डायरेक्ट अनुपात में आ गया। तो ये क्या हुआ आपका विलोमानुपात दिख रहा है आपको ठीक है, जैसे 2 गुणा में था तो 1/2, ये 3 1/3 हो गया, 5 1/5 होगा, तो विलोमानुपात ही आंसर हो जाएगा ठीक है। इसका विलोमानुपात निकालने का प्रोसीजर क्या है ठीक है, विलोमानुपात निकालने का प्रोसीजर क्या है, देखो विलोमानुपात निकालने का प्रोसीजर तो वही है ना, कि 2 3 5 का क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 2 3 5 का,
ठीक है, एलसीएम जो गुणा में है, तो क्या हो जाएगा देखो, 5 से 15 में 30 हो जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे रख देंगे, ठीक, 30 को यहाँ पे रख देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 से आपका कितने पर में जाएगा, 2 15 में 30, और ये हो जाएगा 3 दहन 30, ये 5 छक्का 30। ठीक, तो क्या आ जाएगा, यही एबीसी का रेशियो बन जाएगा, यही क्या है, एबीसी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 10 और 6, ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है, शॉर्टकट हुआ। तो अगर गुणा में है तो ये आप विलोमानुपात ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और अगर नीचे दिया हो गया तो डायरेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। भाई नवा क्वेश्चन, ए अनुपात बी आपको दिया है 5:7, और बी सी अनुपात डी कितना दिया है, 2A अनुपात 3B। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ए सी और बी डी का रेशियो निकालना है। ठीक है, ए सी और बी डी का देखो क्या निकालना है, ए सी और बी डी का रेशियो, तो जो निकालना है इस पे फोकस मत करो आप, जो निकालना है उस पे फोकस करो। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कठिन टाइप का, ऐसा लग रहा है कि कठिन हो गया, अनुपात के रूप में दिया इसलिए कठिन है। ठीक है, अनुपात को बटे के रूप में लिख लो तो ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखो ए सी अपॉन बी डी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अनुपात मतलब बटा ही होता है, तो बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऐसा लिख सकते हैं आप, देखो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, इसको अलग अलग, देखो ए ए अनुपात बी है। ठीक है, तो गुणा के रूप में लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए अनुपात बी इंटू सी अनुपात डी। ठीक है, गुणा के रूप में आ गया। अब देखो ए अनुपात बी आपको क्या दिया है, आपको 5 5/7। ठीक है, तो इसको 5/7 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/7। अब देखो सी अनुपात डी क्या दिया है आपको, 2A/3B। ठीक है, मतलब 2A/3B। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2A/3B। ठीक, अब देखो 2A/3B लिख दिया, अब ए बाई बी यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ए बाई बी को डायरेक्ट रख सकते हो आप 5/7। ठीक है, 5/7 इसको रख सकते हैं, इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ 5/7। ठीक, तो क्या हो गया, अब कुछ कटेगा कटा दो, नहीं कटेगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है ना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो 5 × 10 = 50। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 50, ऊपर आ जाएगा 50, नीचे क्या आ जाएगा, देखो 7 21, और 21 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 × 7 = 147 हो जाएगा, 147। तो देखो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, 5 50:147 को, अगर हाँ कट तो नहीं जाए, तो हो जाएगा डायरेक्ट आपका 50:147। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, मतलब 10वां क्वेश्चन। ठीक है, मतलब देखो ए अनुपात बी किया क्या दिया है, 2:3, बी अनुपात सी दिया है आपको 4:5, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का अनुपात पूछा। ठीक है, अब देखो अब ये डायरेक्ट आप ले सकते हो क्या आंसर, यहाँ पे ए का मान रख के डायरेक्ट यहाँ पे नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्या में रिलेशन पूछा है, यहाँ पे देखो बी सी ए बी सी तीनों है। ठीक है, ए बी सी तीनों है आपके क्वेश्चन में, ए मतलब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, लेकिन देखो जो दिया गया है उसमें ए बी सी तीनों है क्या, नहीं है, देखो ए भी दिया है बी सी तो अलग अलग दिया। ठीक है, तो उसको एक साथ बनाना पड़ेगा तभी तो लिखो, ठीक है, तभी तो आप सही रेशियो में आओगे। ठीक है, एक साथ पहले बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक साथ कैसे बनाओगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये एक साथ कब बनता है, जब मतलब देखो बी दोनों में कॉमन क्या है, बी है, देखो यहाँ पे बी है कॉमन, यहाँ पे बी कॉमन है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, सेम है क्या, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सेम नहीं है, तो सेम किस पे सेम होगा, ये आपका एलसीएम पे सेम होता है। ठीक है, तो 4 3 के एलसीएम कितना होगा, 12, तो 12 पे सेम होगा, ये किस पे सेम होगा, 12 पे सेम होगा। ठीक है, 12 पे सेम होगा, तो किसे किसे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या गुणा करना क्या पड़ेगा आपका, 4 का गुणा करना पड़ेगा तभी 12 होगा ये। ठीक है, तो 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा इधर क्या का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तभी तो ये भी 12 होगा। ठीक है, बी 12 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी भी देखो बी कितना आएगा 12, और सी कितना आएगा आपका, देखो ए कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे 4 का गुणा, मतलब पहले 2 था, अब 4 का गुणा हो गया तो 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, अब देखो सी कितना होगा, सी 5 था पहले, अब 3 का गुणा हो गया तो 15 हो गया, तो 15 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 8 12 15, ये आंसर नहीं है, ए बी सी का रेशियो। ठीक है, आंसर क्या है, ये है, मतलब आंसर इसमें निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है आपका, 8 है। ठीक, ए का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर, उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, 12 यहाँ पे। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, 12, तो 12 पुट कर देंगे, 12 का स्क्वायर, और बी सी, तो बी सी का गुणा कर देंगे, देखो सी का वैल्यू क्या है, 15, तो बी क्या है, 12 और ये 15, तो 12 × 15 कर देंगे यहाँ पे, 12 × 15। देखो भाई कुछ कटता है तो कटा सकते हो, बिल्कुल कटा सकते हो, तो कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, देख यहाँ पे हो जाएगा ये 64, ये हो जाएगा 12 12 144, ये 12 × 15। ठीक है,
क्या कटेगा देखो, 12 गुणा 15 मतलब कितना हो जाएगा, 15 दाम 150 और 15 दूनी 180 हो जाएगा। इसको 180 लिख लो, ठीक है 180 लिख लो। अब किसी से कट रहा है क्या, देखो यहाँ पे 4 से कटेगा क्या, 64 4 से कट जाएगा। अब ये 4 से 4 के बाद, हाँ 4 से कट जाएगा अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 से कटेगा, 4 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है 16 चौक 64। और ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, तो ये भी कितने 36 चौक 144 होता है, तो कितना हो जाएगा 36 चौक 144, ठीक है। और ये 180 किससे, 4 से कटता है क्या, बिल्कुल कटता होगा, 4 चौक 16 4 5 6, इसमें तो 45 चौक 180 होता है, ठीक है। ये भी कितना बार में कट जाएगा, 45 बार। तो देखो अब देखो 45 है, अभी शायद शायद ही कट पाए, 9 से नहीं कट पाएगा, ठीक है 16 36 से, और ये 45 ही आंसर होगा इसका, नहीं कट पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी, और क्वेश्चन करेंगे ये मतलब जो बेसिक वाले भी जो और कुछ बच गए हैं अच्छे से, उसको एक वीडियो में और अच्छे से कर लेंगे, ठीक। मतलब एक क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, सब क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, और उसके बाद अपन टाइप वाइज स्टार्ट कर देंगे, और फिर ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, और थैंक यू, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।